राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, हिंदी विभाग, सह आचार्य श्रीमती सुलोचना सोनी, बीए भाग तृतीय, आज साधारणीकरण पर चर्चा की जाएगी। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। भरत मुनि के इस रस सिद्धांत विषयक सूत्र की व्याख्या के प्रसंग में आक्षेप और प्रत्याक्षेप करते हुए साधारणीकरण की समस्या सामने आई, क्योंकि लॉलट और शंकुक द्वारा प्रस्तुत व्याख्याओं पर आक्षेप करते हुए यह सवाल सामने उपस्थित आ हुआ कि सर दे दूसरों के भावों से रसास्वादन कैसे प्राप्त कर सकता है। इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हुए भरत मुनि के तीसरे व्याख्याता भट्ट नायक ने यह साधारणीकरण नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया। साधारणीकरण का अर्थ, कवि निर्मित पात्रों का व्यक्ति विशेष रूप छोड़कर सामान्य प्राणी मात्र बन जाना ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण की समस्या पर प्रकारांतर से धनंजय और धनिक ने अपने ग्रंथ दश रूपक में प्रकाश डाला है। उन्होंने साधारणीकरण शब्द का प्रयोग न करके परिक्तवक्य विशेष का प्रयोग किया है। उनकी मान्यता का अनुवाद यह है कि काव्य पठन अथवा नाटक दर्शन के समय सामाजिक सहृदय के सम्मुख ऐतिहासिक व्यक्ति के स्थान पर कवि निमित्त पात्र ही रहते हैं। इनके प्रति सामाजिक का पूर्व संस्कार, वंश, किसी प्रकार कार्य विशिष्ट भाव, पूज्य बुद्धि का संचार आदि भाव लुप्त हो जाता है। इस प्रकार सामाजिक को रस प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं रहती। निसंदेह यह स्थिति काव्य नाटक में वर्णित पात्र पर ही घटित होती है। इतिहास अथवा पुराण के किसी व्यक्ति विशेष पर घटित नहीं हो सकते हैं। साधारणीकरण शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है, जो वस्तु पहले सर्वसाधारण न रही हो उसे सर्वसाधारण रूपता प्रदान कर दी जाए। जब इस शब्द का प्रयोग रस के संदर्भ से किया जाता है तो इसका अर्थ यह होता है कि रस का उपादान सर्वदा विशिष्ट व्यक्तियों के लिए होता है और व्यक्ति वैचित्र रस निष्पत्ति में प्रयोजनीय होता है। रति भाव राम सीता, दुष्यंत शकुंतला आदि के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। क्रोध का प्रदर्शन भी भीमसेन और लक्ष्मण आदि के माध्यम से ही होता है। जो माध्यम रस निष्पत्ति के लिए अपनाया जाता है वह हमेशा विशिष्ट होता है, साधारण नहीं हो सकता। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि आस्वादन विशिष्ट भाव का नहीं हो सकता, अतः विशिष्ट भाव को सर्वसाधारणता प्रदान कर दी जाती है। यही साधारणीकरण की प्रक्रिया है। संस्कृत आचार्यों के मत है, रस निष्पत्ति को लेकर प्रचलित साधारणीकरण के सिद्धांत अथवा प्रक्रिया को समझाने के लिए यहाँ सर्वप्रथम संस्कृत आचार्यों के मतों का उल्लेख किया जाना बहुत आवश्यक है। भट्ट नायक का मत, साधारणीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख भट्ट नायक के उद्धरणों में उपलब्ध होता है। अभिनव भारती में आचार्य अभिनव गुप्त ने उनके कथन का अभिष्ट अंश इस प्रकार उपस्थित किया है, काव्ये नाट्ये च विभावादि साधारणीकरणात्मना अभिधातो द्वितीयांशेन भावकत्व व्यापारेण भव्यमानो रसः। अर्थात काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावकत्व व्यापार द्वारा विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक के अपने समस्त मोह संशय आदि से उत्पन्न अज्ञान का निवारण हो जाने पर इसके द्वारा रस भव्यमान होता है। काव्य प्रकाश में ममटाचार्य ने पटनायक के मत का इस तरह उल्लेख किया है, पहला है साधारणीकरण विभावादि का होता है, दूसरा साधारणीकरण और भावकत्व व्यापार में अभेद है, तीसरा भावकत्व व्यापार द्वारा भाव मान स्थायी भाव ही रस रूप में परिणित होता है, चौथा साधारणीकरण रसास्वाद की पूर्ववर्ती प्रक्रिया है। इस प्रकार भट्ट नायक के मतानुसार साधारणीकरण की तीन कोटियां प्रतीत होती है, विभाव, अनुभाव और साधारणीकरण। तीसरी कोटि में व्याभिचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव का साधारणीकरण हो जाता है, जो कि रस रूप में श्रद्धे के भोग का विषय बनता है। अभिनव गुप्त का मत, अभिनव गुप्त ने भट्ट नायक के साधारणीकरण में संशोधन करते हुए अपना मत स्थापित किया है। उनके अनुसार काव्य की उस प्रतीति में
जो मृग शावक आदि विषय रूप में भासता है उसके विशेष रूप न होने से यह भीत है, यह अज्ञान तथा त्रासक के वास्तविक न होने से वह ही देश काल आदि से पूर्णतः असंबद्ध रूप में प्रतीत होता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि आश्रय और आलंबन का साधारणीकरण हो जाने से स्थायी भाव ही देश काल के बंधन से मुक्त हो जाता है और तब रस की अभिव्यक्ति होती है। साधारणत्व सीमित न होकर सर्वव्यापक होता है। अनादि संस्कार से चित्रित चित्र वाले समस्त सामाजिकों की एक जैसी वासना होने से एक जैसी ही प्रतीति होती है। अभिनव गुप्त के इन विचारों से निम्न तथ्य ज्ञात होते हैं। व्याख्यार्थ बोध के पश्चात साक्षात्कारात्मिका प्रतीति होती है। इसी समय विभावादि के साथ साथ स्थायी भाव का भी साधारणीकरण हो जाता है। स्थायी भाव के साधारणीकरण से देश काल के बंधन और व्यक्ति विशेष के संसर्ग से मुक्ति हो जाती है। साधारणीकरण ही समस्त रसा स्वाद का केंद्र बिंदु है। सामाजिकों में रहने वाली वासना से समान प्रतिपत्ति होती है जिससे निर्विघ्न चमत्कार के रूप में रस का अनुभव होता है। इस प्रकार अभिनव गुप्त ने भट्टनायक के मत का परिष्कार करके साधारणीकरण प्रक्रिया को अधिक ग्राह्य बनाया है। विश्वनाथ का मत। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ का नाम रसवादी आचार्य में उल्लेखनीय है। उन्होंने अभिनव गुप्त के मत को ही परिपुष्ट किया है। उन्होंने पहले पुष्पिका दी है और काव्य में रामादि के उद्बोधन के कारण सीतादि से सामाजिक के रसादिक भावों का उद्भेद कैसे उद्बोधन कैसे होता है तथा इसके उत्तर स्वरूप साधारणी का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है यह साधारणीकरण रामादि नायकों तथा सामाजिकों को अपना साधारण आशय बनाना ही विभावादियों का विभावना व्यापार है। इसी के प्रभाव से प्रभाता अपने को समुद्र लंघन वाले हनुमान आदि से भिन्न समझने लगता है। यद्यपि मनुष्य की शक्ति सीमित होती है और समुद्र लंघन एक अति दुष्कर कार्य है तथापि हनुमान आदि के साथ अभेद यानी तादात्म्य ज्ञात हो जाने से सामाजिक भी समुद्र लंघन जैसे अलौकिक कार्यों को साधारणीकरण रूप में ही ग्रहण करता है। इस तरह विश्वनाथ ने अभिनवगुप्त के समान इत्यादि रत्यादि स्थायी भाव तथा विभावादि सभी का साधारणीकरण माना है। उन्होंने इस व्यापार को दो भागों में विभाजित किया है, समग्र विभावादि का साधारणीकरण तथा साधारणीकरण के प्रभाव से सामाजिक का आश्रय के साथ अभेद तथा तादात्म्य। ये दोनों कारण एवं कार्य है। पंडित जगन्नाथ का मत। रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने भरत के इस सूत्र की व्याख्या करते हुए अन्य आचार्यों के मतों का उल्लेख किया है तथा साधारणीकरण को प्रत्यक्षतः स्वीकार नहीं किया है। इस संबंध में उन्होंने भावना दोष की परिकल्पना की है। उन्होंने कहा है व्यंजना व्यापार से सहृदय को यह प्रतीत हो जाती है कि दुष्यंत शकुंतला के प्रति अनुरक्त है, अतः दुष्यंत विषय कृत्य का ज्ञान होने पर सहृदय में एक भावना विशेष उद्भुत जाती है। इस भावना विशेष दोष के कारण कल्पित दुष्यंत से आच्छादित चेतना में शकुंतला विषय कृत्य रस रूप में अनुभूति गम्य हो जाता है। इस तरह पंडित राज जगन्नाथ ने विभावादि के साधारणीकरण के स्थान पर भावना दोष को स्वीकार किया है और बतलाया है कि इस दोष के कारण सहृदय की आत्मा कल्पित दुष्यंत्व के से आच्छादित जाती है। प्रभाव का तब आश्रय के साथ अभेद होता है तथा साक्षी भाष्य रूप में अनिर्वचनीय रूप का आस्वादन होता है। हिंदी के आचार्यों के मत। इस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण प्रक्रिया तथा उनकी अनुभूति को लेकर हिंदी के अनेक आचार्यों ने विविध मत व्यक्त किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण विषयक विचार कई लेखों में बिखरे हुए हैं। चिंतामणि प्रथम भाव में शुक्ल जी ने संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है वह किसी में वर्णित आश्रय के भावों का आलम्बन होती है, वैसे ही सब हृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलम्बन हो जाता है। काव्य में वर्णित आलंबन केवल भाव की व्यंजना करने वाले पात्र का ही आलंबन नहीं रहता बल्कि पाठक या श्रोता का भी आलंबन हो जाता है। साधारणीकरण आलंबनत्व का धर्म होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा बहुत होता है।
तात्पर्य यह है कि आलंबन रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति समान प्रभाव वाले कुछ धर्मों की प्रतिष्ठा के कारण सबके भावों का आलंबन हो जाता है। साधारणीकरण प्रभाव का होता है, सत्ता या व्यक्ति का नहीं, साधारणीकरण स्वरूप का ही होता है, व्यक्ति या वस्तु का नहीं होता है। विभावादि सामान्य रूप से प्रतीत होते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि रसमग्न पाठक के मन में यह भेदभाव नहीं रहता कि ये आलंबन मेरे या दूसरे। थोड़ी देर के लिए पाठक या श्रोता का हृदय लोक का सामान्य हो जाता है। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनेक वाक्यों में जो विचार व्यक्त किए हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि साधारणीकरण विषयक चिंतन भारतीय काव्य शास्त्र के विकास की एक स्वतंत्र कड़ी न होकर पूर्व परंपरा का अनुगामी है। उस समय अभिनव गुप्त की अभिनव भारतीय उपलब्धि, इस कारण शुक्ल जी ने काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के आधार पर अपना चिंतन व्यक्त किया है। इसका सारा यह रहा है कि काव्य में वर्णित भाव मनुष्य मात्र को प्रभावित करने वाले हैं। काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं, वे व्यक्ति सामने रहता है जाते नहीं। साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति या वस्तु विशेष आती है वह काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन होती है। वास्तव में साधारणीकरण आलंबन तत्व का धर्म होता है, व्यक्ति तो विशेष ही रहता है। विभावादि सामान्य रूप में प्रतीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि रसमग्न पाठक के मन में यह भेदभाव नहीं रहता कि वह आलंबन मेरा है या दूसरे का। डॉक्टर नगेंद्र का मत। रस सिद्धांत के आधुनिक आचार्य में डॉक्टर नगेंद्र का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने अपने रस सिद्धांत नामक ग्रंथ में आश्रय, आलंबन, सहृदय की चेतना आदि सभी के साधारणीकरण पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए सर्वांग के साधारणीकरण का समर्थन किया है। उनके शब्दों में संपूर्ण प्रसंग ही विशिष्ट देश कालबद्ध घटना न रहकर साधारणीकरण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रमाता की चेतना भी व्यक्ति संसर्गों से मुक्त साधारणीकृत हो जाती है। काव्य प्रसंग और कुछ नहीं, कवि की भावना का बिंब मात्र है। यह काव्य प्रसंग या बिंब शरीर है और कवि भावना उसको प्रकाशित करने वाली चित्त आत्मा है। और चूंकि साधारणीकरण जड़ यांत्रिक क्रिया न होकर चैतन्य क्रिया है, काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोवैज्ञानिकों के अधिक अनुकूल है। जिसे हम आलंबन कहते हैं वह वास्तव में कवि की अपनी अनुभूति का संवेद्य रूप होता है। उसके साधारणीकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण। इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण पर जो मत दिए हैं उस प्रकार है। जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सकने में समर्थ है वही वास्तव में कवि है। साधारणीकरण कवि की अनुभूति होता है। आचार्य शुक्ल ने सहृदय के आश्रय तत्व धर्म के साथ तादात्म्य माना था, परंतु डॉक्टर नगेंद्र ने कवि की अनुभूति के साथ तादात्म्य माना है। डॉक्टर नगेंद्र को रस की मध्यम कोटि स्वीकार नहीं है। इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र के कवि की अनुभूति का साधारणीकरण प्रतिपादित करते हुए बताया है कि जो भाव कवि के हृदय में जागृत होते हैं वही हमारे हृदय में भी जागृत होते हैं। इसलिए जब गोस्वामी तुलसीदास रावण की भर्त्सना करते हैं तब हमारे मन में रावण के प्रति तुच्छ भाव या घृणा भाव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कवि का अभिप्रेत यही है कि जब माइकल मधुसूदन दत्त मेघनाथ वत में रावण या मेघनाथ के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं तो हमारे हृदय में भी रावण या मेघनाथ के प्रति सहानुभूति जागृत होती है, क्योंकि इसका कारण उसके प्रति कवि की सहानुभूति है जो साधारणीकरण से हमारा अनुभूति बन जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रस निष्पत्ति के लिए साधारणीकरण बड़ा अनिवार्य हो जाता है। रस निष्पत्ति काव्य और नाटक दोनों में विशेष महत्व रखती है। रस निष्पत्ति के लिए भट्टायक ने भावकत्व, भोजकत्व जैसी वृत्तियों की कल्पना की है। उन्होंने इस वृत्तियों की कल्पना से यह प्रमाणित किया था कि रस निष्पत्ति के लिए साधारणीकरण की स्थिति अनिवार्य है। जब कोई वर्ण विषय साधारणीकृत होकर कवि की चेतना से पुष्ट होता हुआ सहृदय के मन को डुबोता नहीं तब तक रस निष्पत्ति संभव नहीं है। एक प्रकार से भट्ट नायक ने यह घोषित कर दिया कि रस निष्पत्ति के लिए साधारणीकरण एक अनिवार्य भूमिका का काम करती है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतला में दुष्यंत शकुंतला के माध्यम से जिस प्रेम भाव का चित्रण किया है वह केवल दुष्यंत या शकुंतला का अपना प्रेम भाव नहीं है, वह मानव जाति के अनुभव जगत का सामान्य प्रेम भाव है, जिसका अनुभव सारी
मानव जाति समय समय पर अपने जीवन में करती है। कालिदास की रचना की विशेषता का सामर्थ्य यह है कि वह पाठक के मन को भी साधारणीकरण की स्थिति में ला देती है। शकुंतला को पढ़ते हुए पाठक के मन में जो प्रेम भाव उत्पन्न होता है वह उसका अपना प्रेम भाव नहीं होता बल्कि सामान्य प्रेम भाव है। पाठक के हृदय या भाव जगत के साधारणीकरण के द्वारा ही काव्य के दुखद प्रसंगों में भी वह दुखद का अनुभव नहीं करता अपितु सामान्य मनोभाव की तृप्ति का आनंद प्राप्त करता है। धन्यवाद।